आइए बेटे स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। रोल नंबर 11 बेटे, 2 मिनट प्लीज वेट कर लीजिएगा। वी हैव विद अस विद क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं बेटे मैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आप अपना एक्सरसाइज पेज ओपन कर सकते हो डियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा आपको उन्होंने दिया है ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल। बेटा अगर आपको एक ट्रक दे रखा है और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इट विल मीन दैट कि इसका इनिशियल वेलोसिटी बेटे जीरो होगा। और आपको फर्दर दिया गया है ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक जो है दिस इज 400 मीटर एंड टाइम आपको 20 सेकेंड्स का, ये 400 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए दिया गया है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, वी इंटेंड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आल्सो, इस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा दैट इज आल्सो नीडेड। और आपको दिया गया है बेटे यहाँ पे और एडिशनल, इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन, मास ऑफ द ट्रक जो है 7 मीट्रिक टन्स, इसके बराबर आपको मास दिया गया है 7 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन जो होता है बेटा ये आपका 1000 kg आपको उन्होंने दिया हुआ है, तो इट विल बी 7 × 1000, 7000 kg आपका मास होगा ट्रक का। ये ट्रक ने डिस्टेंस कवर किया, इतने टाइम में किया, इतना इसका इनिशियल स्पीड है एंड आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक निकालना है एंड साथ ही साथ आपको बेटे फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक जो है दैट इज आल्सो बेटा नीडेड। नाउ बेटे देखिए, आप यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन आप लगा सकते हो, फर्स्ट सेकंड की थर्ड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो वी विल बी नीडिंग वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी हमारे पास है नहीं, वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दैट। अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो हमारा लग जाएगा बिकॉज एस भी हमारे पास है, यू भी है, ए भी है, ए सॉरी निकालना है, टी है आपके पास, एंड थर्ड नहीं लगा सकते, वी आपके पास है नहीं बेटा। सो वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equal to ut plus half a t square, और आप सारी वैल्यूज को बेटे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। s आपके पास डियर चिल्ड्रन 400 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको ट्रक की जीरो दी हुई है एंड एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करनी है, टाइम 20 आपको बेटे दे रखा है, जीरो मल्टीप्लाइड बाई टी विल बी नथिंग बट जीरो, सो 400 इज इक्वल टू हाफ ए एंड 20 का स्क्वायर, इट विल बी बेटे अगेन यूर 400 बेटा। तो 400 से 400 आपका डायरेक्टली बेटे कैंसल आउट हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद 1/2 ए टू बी इक्वल टू 1, ए टू बी इक्वल टू 2 m/s². सारे स्टूडेंट्स जरा चेक कर लेना, आपका एक्सेलरेशन बेटे जो है इतना न्यूमेरिकली आ रहा है कि नहीं बेटा। देन बेटा आफ्टर मेकिंग कैलकुलेशन फॉर द एक्सेलरेशन, आप अपना जो फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक है उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ से जो हमने रिजल्ट डिराइव किया था F is equal to m into a, आप इसको यूज कर लीजिए। आपको मास 7000 kg दे रखा है, a you have just calculated, तो ये बन गया जी 7000 × 2, F is equal to 14000 newtons बेटा। तो ये आपके ट्रक के ऊपर
इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बेटा फोर्स एक्ट कर रहा है. सो इन दिस वे आप बेटे ये निकाल सकते हो फोर्स को कि कितना ट्रक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा. और आई थिंक सबको समझ आ गया होगा. रोल नंबर 11 बेटे एक बार आप दिख नहीं रहे मुझे, आपका हैंड रेज दिख रहा है बट हाँ जी, हाँ जी, रोल नंबर 11 धीरेन. सर गुड मॉर्निंग सर. सर आई वांट टू आस्क दैट ऑन पेज नंबर 127 देयर इज अ बॉक्स गिवन व्हिच सेज दैट अ कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एनी एक्सपेरिमेंट, कैन नॉट बी डिसप्रूव्ड बाय एनी एक्सपेरिमेंट. सो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बॉक्स, प्लीज टेल, प्लीज एक्सप्लेन इट वंस. एक बार दोबारा बोलिए बेटे, मैंने बॉक्स पढ़ा नहीं जो आप बॉक्स कह रहे हो. सर उसमें लिखा है कि लॉ कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एन एक्सपेरिमेंट और इट कैन नॉट बी डिसअप्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट. सर इसका मतलब क्या है? इसका बेटे मतलब ये है कि जब आप इस लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश करोगे बेटे, तो आपके एनर्जी के लॉसेस होंगे. एनर्जी के लॉसेस होंगे तो उसकी वजह से आप बेटा कहीं ना कहीं आप जो वेलोसिटी का मैच नहीं करवा पाएंगे, उससे आप अपने रिजल्ट को प्रॉपरली 100% वेरीफाई नहीं कर पाते हो. और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि आप इस लॉ को किसी भी पर्टिकुलर में कोई भी पर्टिकुलर आप इसके लिए अपना वो देकर अपने आइडियाज़ देकर इसको बेटे डिसअप्रूव भी नहीं कर सकते हैं. उनका मतलब ये है कि आपको ये जो लॉ है विदाउट वेरीफिकेशन इसको बेटे आपको अज्यूम करना चाहिए. बोलिए बेटर. ओके सर. धीरेन बेटा. यस सर, क्लियर सर. ओके बेटा, नाम आपका ठीक ले रहा हूँ अब मैं? यस ओके. देन बेटे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है, न्यूमेरिकल नंबर 6 है एक्सरसाइज का बेटा. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, आपको एक स्टोन दिया गया है बेटा. ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, जब आप किलोग्राम की बात करते हो तो डायरेक्टली मास के बारे में हमें उन्होंने कहा होता है. ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. डियर चिल्ड्रन, इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड का दिया हुआ है. अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक, एक लेक है, ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस वो फ्रीज हो गई हुई है. आपने स्टोन को उसकी सरफेस के ऊपर ऐसे थ्रो किया और इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, आपको उन्होंने वेलोसिटी दे रखी है. आपको और कौन सी चीज गिवन है बेटा? ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम थ्रोन विद दिस मच वेलोसिटी अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स. ये स्टोन 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है, रेस्ट पे आ जाता है. इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया. What is the force of friction between the surface of the stone and the ice? Repeat करूंगा बेटा मैं सारे का सारा question. आपको उन्होंने दिया गया है, a stone of mass 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and it comes to rest after traveling a distance of 50 meters. बेटा आपको बताना है कि इसके ऊपर कितना force act कर रहा होगा फ्रिक्शन की वजह से स्टोन के ऊपर. और यहाँ पैसे कह लो स्टोन और आपका जो पानी फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक है इनके बीच में. अगेन बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, इस एक्सप्रेशन में आपको टाइम कहीं भी नहीं दिख रहा. उन्होंने आपको नहीं बताया कि कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आ रहा है. इट विल मीन दैट कि आप यहाँ तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, फर्स्ट में भी टाइम आता है नहीं यूज कर पाओगे आप. थर्ड में भी टाइम आता है, थर्ड में नहीं आता वो यूज कर लोगे, सेकंड में आता है वो आप यूज नहीं कर पाओगे. सो सेकंड इक्वेशन आपका जो है उसमें भी टी है, फर्स्ट में भी टी है. टी हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. वी शुड नॉट यूज दोज इक्वेशंस, वी शुड मेक यूज ऑफ बी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस बीटा। तो वंस यू गेट दिस ए कैलकुलेटेड, आप उस ए की वैल्यू फिर बेटा फोर्स के एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो आइए डियर चिल्ड्रन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें। आपको फाइनल वेलोसिटी बेटा जीरो दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 का स्क्वायर आ गया, 2sh रह गया, ए आपको पता ही नहीं है, ए आपने निकालना है, एस आपको डियर चिल्ड्रन 50 दे रखा है। सो दिस इज ऑल विच वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद। तो इसको रीअरेंज करो थोड़ा सा, माइनस आपके पास ये बेटे 20 का स्क्वायर 400 हुआ, 2 इंटू 50 कितना हुआ बेटा 100, इंटू ए एस एच रह गया, ये दोनों जीरोस कट गई, एंड बेटा डियर चिल्ड्रन ए आपका माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल गया। आपने ए कैलकुलेट किया, यू नो दैट बेटा आपके स्टोन पे जो फोर्स एक्ट करेगा एफ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम आपके पास 1 किलोग्राम है, ए आपने माइनस 4 निकाला है, फोर्स इज माइनस 4 न्यूटन। और डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर देता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। सो इन दिस वे बेटे आप अपने स्टोन पे जो फोर्स एक्ट करता है इसको डियर चिल्ड्रन निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? यस बेटा, मिलन, आरजू, आस्था, आर्यन, अनुष्का, अर्चिता, सारे बच्चों का नाम नहीं मैं ले पा रहा हूँ बेटा। सो यस बेटे, आई होप इट्स क्लियर। आइए फिर बेटे आगे चलते हैं विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। आप साथ साथ बेटे थोड़ा हिंट जरूर लिखते जाइएगा, इन द एंड फिर आपको बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप सारे न्यूमेरिकल्स को कलेक्टिवली एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करोगे देन यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेटा। सो आइए बेटे डियर चिल्ड्रन आगे चलें विद द नेक्स्ट डिस्कशन बेटा। वी हैव फर्दर मोर क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊंगा, पहले मैं न्यूमेरिकल नंबर 8 बेटा। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। आपको बेटे किसी ऑटोमोबाइल व्हीकल का मास दिया गया है, आप करना क्या चाहते हो, आपको क्या पूछा गया है? व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड? व्हीकल और रोड के बीच में कितना फोर्स होना चाहिए, किसके लिए? व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड? व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड का मतलब है आप उसको जीरो वेलोसिटी पे लेके आओगे। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटे मैं सारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच बेटा। So, any suggestions from your side, beta? Panika, roll number 28, 9th B class. 11, roll number sir, B force. Class. Sir, force is equal to mass into acceleration wala formula laga ke. Very right, very right. 11, roll number bhi kuch kehna chahte hain. Roll number 11, Dhiren. Sir, firstly, we have... So firstly, we have to use the mass force equals to mass into acceleration formula to find the force. बिल्कुल ठीक। आप आपका नाम धीरेन ही है ना, मैं ठीक बोल रहा हूँ अब? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Good बेटे, good. So जैसे आप लोग बेटे बता रहे हो, बच्चे बता रहे हैं, जैसे
आपका फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, वी शुड मेक यूज ऑफ दिस रिलेशनशिप इटा, बिकॉज दोनों पैरामीटर्स आपको उन्होंने डायरेक्टली दिए हुए हैं। आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, एफ विल बी इक्वल टू यूर माइनस 1500, चलो ये नहीं लगाता मैं, माइनस इंटू माइनस 1.7, एफ इज इक्वल टू दिस मच, एक दो, कितनी जीरोज आएंगी जरा चेक करके बताइएगा, यहां पे आई थिंक पॉइंट लग जाएगा, जरा चेक करना बेटे सारे बच्चे, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मी 2550 न्यूटन, यहाँ पे डेसिमल एक लग जाएगा आपका बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल, आप इसको माइनस 2550 न्यूटन लिख सकते हो, चेक कर लीजिए बेटे सारे स्टूडेंट्स, इज इट ऑल राइट बेटा दिया, ओके बेटा। बाकी स्टूडेंट्स बेटा सारे बच्चे नाइन्थ ए एंड बी क्लास, एक ज्योत, जयती, जसलीन, ज्योत इंदर, कृतिका, लक्ष, लक्ष जयरथ, मन्नत, रिजुल, रमनजीत, राघव, सारे बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, ओके बेटे ओके, सारे बच्चे कर रहे हैं साथ साथ, बहुत खुशी हो रही है ये चीज देख के, वेरी नाइस, आपने साथ साथ बेटे इनको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते जाना है, फिर आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन आइए, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर बेटे 11, लेट मी फोकस अपॉन न्यूमेरिकल नंबर 11, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन बेटा, सारे न्यूमेरिकल पहले कर रहा हूं मैं, बाकी बाद में देखेंगे बेटा क्या है बाकी के पार्ट्स में। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 केजी आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, 1.5 केजी के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं डायग्राम बना के आपकी हेल्प करता हूं, ये एक है 1.5 केजी का मास है, एक और है 1.5 केजी का मास है, मूव अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं जैसे आपको दिखाया गया है। अब वो और क्या कहना चाहते हैं आपको, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड, देन लेट अस सी व्हाट इज गिवन टू अस, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, ये ऐसे मूव करते 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 जा रहे हैं और यहां पे कोलिजन हो गई दोनों के बीच में, दे स्टिक टुगेदर, दोनों मिलके एक हो गए, एक चीज बन गई, एक सिस्टम बन गया। और आपको क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन, आपका कोलिजन के बाद कंबाइंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पूछा गया है, ये अब दो नहीं है चीजें, एक चीज बन गई है मिलके, इसकी वेलोसिटी आपको उन्होंने पूछी है कितनी होगी बेटा। आई कैन सी दिया ऑन द स्क्रीन, दिया विल सजेस्ट सम वे आउट बेटा, दिया सर मोमेंटम कैलकुलेट करके ऐड कर दें, क्यों सर, क्योंकि अब वो एक ऑब्जेक्ट बन गया तो उसका मास भी सेम हो जाएगा, सिस्टम एक बन जाएगा। राइट राइट, रोल नंबर 5 सर, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे। हां जी सर, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे, सर क्योंकि ये कोलाइड हो रहे हैं तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल दी हुई है। वेरी गुड वेरी गुड, थम्स अप फॉर यू, और जैसे आप लोग दोनों बच्चों ने ठीक बोला है, दिया ने भी और दूसरे बच्चे का नाम मेरे माइंड से स्किप कर गया, आप जैसे कह रहे हो कि देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी ट्रेवल कर रहे हैं, हमने किसी पे भी कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगाया अपनी तरफ से, दोनों ऑलरेडी मोशन में हैं, कोलाइड करने के बाद वो स्टिक कर गए, स्टिक करने के बाद जो दोनों का मिलके एक ऑब्जेक्ट बना है उसकी वेलोसिटी हमें चाहिए, तो बिकॉज
आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, ऑलरेडी मूव कर रहे थे, आपका ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाना चाहिए, राइट बेटा? तो बेटे देव ठाकुर नाइन्थ बी क्लास, देव ठाकुर नाइन्थ बी क्लास, सुन रहे हो आप? देव ठाकुर नाइन्थ बी क्लास, आई डोंट थिंक वो सुन नहीं रहा बच्चा, देव ठाकुर। चलिए बेटे मेरी कई बार हो जाता है। जसलीन खोसला नाइन्थ ए क्लास रोल नंबर 19। जसलीन, यस सर। हाँ जी बेटे, इनिशियल मोमेंटम लिखवाइए कितना होगा, पी इनिशियल कितना होगा सिस्टम का? हाँ जी बेटे जसलीन, बोलो पुत्र। जसलीन बेटा एनी आइडिया? अगर नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, इसमें क्या बात है। रिधि का रोल नंबर 35 नाइन्थ ए क्लास, रिधि का, रिधि का नाइन्थ ए क्लास रोल नंबर 35। यस सर। हाँ जी बेटे इनिशियल मोमेंटम लिखवाइए दोनों ऑब्जेक्ट्स का कितना होगा कंबाइन? सर 2.5। बेटे पुत्र मोमेंटम कह रहा हूं मैं, 2.5 तो वेलोसिटी है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। तो मास इनटू वेलोसिटी कितना हुआ दोनों का, कैसे लिखें? 1.5 इनटू वी। हाँ जी, हाँ जी, बोलते जाइए सर। हाँ जी आइए जी सर। मास सर, टू फाइंड द सर, टू फाइंड द इनिशियल मोमेंटम वी हैव टू फर्स्ट मल्टीप्लाई द मास एंड वेलोसिटी एंड इट वुड बी 3.75। लिखवाइए लिखवाइए, क्या लिखूं मैं बोलिए मैम? पी सर, पी आई इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। बेटे वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखवाओ ना। 2.5 इनटू 2.5 आगे पुत्र, दैट इज 3.75 पी। ये किसका है ये मोमेंटम? ये तो एक ही ऑब्जेक्ट हुआ ना, हमें तो दोनों का चाहिए। सर सेकंड का भी 2.5 इनटू 2.5 ऐड कर दूं इसमें? यस सर। नहीं करेंगे, मैं यही चेक करना चाहता था। इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये देखिए, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वेलोसिटी का साइन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, दिस इज द की पॉइंट, सारे बच्चे नोट करिए। 1.5 माइनस 2.5, तो डियर चिल्ड्रन इनिशियल मोमेंटम चेक करिए फिर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे हाउ मच इट विल बी टर्निंग आउट टू बी। बेटा सारे बच्चे चेक करिए, इनको मल्टीप्लाई करोगे जब आप और ऐड करोगे व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोमेंटम। एक और बच्चा हैंड रेज कर रहा है, लेट मी सी। हाँ जी पनिका, पनिका सर इट विल बी जीरो। जीरो, वेरी राइट, वेरी राइट। जितना ये आपका प्रोडक्ट सर जीरो, उतना ही ये आ जाएगा, बट नेगेटिव होगा तो जीरो हो गया, वेरी राइट। अब आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स का कंबाइंड मास कितना होगा? कंबाइंड मास टोटल मास इनटू वेलोसिटी आफ्टर 3 इनटू वेलोसिटी। दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को पुत्र ऐड कर लो। 3 kg। हाँ जी बिल्कुल ठीक, 1.5 प्लस 1.5 3.0 kg आ गया। और आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो कंबाइंड वेलोसिटी इसको v बोला हुआ है ना बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जो है बेटा ये v के बराबर है। जसलीन, जसलीन नाइन क्लास, जसलीन, जसलीन, जसलीन फाइनल वेलोसिटी जीरो है। कितना बना फाइनल मोमेंटम जसलीन? सर जीरो। जीरो क्यों पुत्र? सर क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था, दो ऑब्जेक्ट्स थे, वो कोलिजन के बाद रेस्ट पे आ गए।
नहीं हमें उन्होंने कहा नहीं रेस्ट पे आया बेटा, उन्होंने कहा कि दे स्टिक टुगेदर, ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं रेस्ट पे आ गया है, उन्होंने कहा है कि कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद स्टिक कर गए, स्टिक करके हो सकता है वो मूव कर रहे हों या रुके हुए हों, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमें समय सिर्फ क्वांटम निकालना है बेटा। समय है? हाँ जी हाँ जी, बोल दीजिए आप, बोल दीजिए। सर बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, सो दैट्स व्हाई वी फाइंड आउट द इट इज जीरो बिकॉज इट्स 3 इनटू 0 इक्वल्स टू 0। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप बच्चे एक स्टेप स्किप कर रहे हो बीच में से, आपको फाइनल मोमेंटम तो पहले निकालना पड़ेगा ना, इट विल बी दिस मास मल्टीप्लाइड बाई दिस वेलोसिटी, इट विल बी इक्वल टू 3 इनटू वी, और अब आप इनको कंपेयर करोगे मास और वेलोसिटीज को। Let me make the space for the same over here. ये आपका बेटे initial और final momentum को equate करने वाले हो। अब आपका final momentum ये initial momentum zero, तो 3 into v it will be equal to zero, v will be equal to zero. Now we can say that हमारे जो object stick कर गए थे वो rest पे हैं, move नहीं कर रहे। Right बेटा? जसलीन कुछ कहना चाहते हो आप बेटे? जसलीन? नो सर। ओके ओके ओके, चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं। देन प्रॉब्लम नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बेटे, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आइए देखें सॉल्व करके। Or we can get it. Problem number 13. आपको दिया गया है 13th problem में बेटा। A hockey ball of mass 200 gram. एक hockey ball है, mass इसका 200 gram है। A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second. इसकी velocity 10 मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है हॉकी बॉल की। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक सो दैट इट रिटर्न्स सो एज टू रिटर्न इट अलोंग द ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। आपने इसको हॉकी के साथ हॉकी बॉल को हिट किया, ऐसे कुछ दिया हुआ है आपको, ये बॉल जा रहा था यहाँ पे हॉकी स्टिक के साथ, आपने इसको हिट किया, हिट करने के बाद बॉल वापस आ रहा है, लेकिन वापस आने की वेलोसिटी जो है आपको 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ये 10 मीटर पर सेकंड थी हॉकी और ये आपका बॉल। आई होप समझ आ रहा होगा सबको पुत्र। कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, दैट इज नीडेड टू बी वर्कड आउट बेटा। सो आइए पुत्र देखें, मास आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी आपके पास, तो रह गया क्या? कुछ भी नहीं। मिलन, नाइन्थ बी क्लास मिलन। हाँ जी मिलन जी बोलिए। मिलन इज देयर और नॉट लिसनिंग मी? सर आई एम हियर। आवाज बड़ी कम आ रही है बेटे आपकी मिलन जी। सर शायद माइक्रोफोन में प्रॉब्लम होगी। मास ऑफ हॉकी बॉल इज 200 ग्राम सर, हमने उसको केजी में कन्वर्ट कर देना, 0.2 ग्राम हो गया। दिस इज द की पॉइंट, यही पूछना चाहता था मैं, बाकी आप कर लोगे, दिक्कत ही कोई नहीं है। हमारी पहली नजर ये ग्राम पे जानी चाहिए, ये ग्राम्स में है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना मस्ट। सो दिस इज एम, इट इज इक्वल टू 200 ओवर 1000, 1/5 केजी। दिस इज द की पॉइंट, ये आपकी पहली नजर इस पे जानी चाहिए। अब बेटा चेंज इन द मोमेंटम आप देखोगे, इनिशियल माइनस फाइनल मोमेंटम कर लो या फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, जैसे मर्जी कर लो, चेंज इन द मोमेंटम को आप डेल्टा पी कहोगे,
मैं इसको इनिशियल माइनस फाइनल कर देता हूं, आप फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल मोमेंटम मास आपका 1/5 एंड वेलोसिटी 10, देन विद ए माइनस साइन एज सच, मास ऑफ द बॉल 1/5 और वेलोसिटी को क्या लूं? मिलन। यस सर। मिलन। यस सर। आवाज नहीं आ रही मिलन आपकी। हेलो सर, मेरे माइक्रोफोन में प्रॉब्लम लग रही है। हेलो मिलन। यस सर। बेटे वेलोसिटी को क्या लूं मैं, क्या लिखूं मिलन? सर 0.2। हाँ जी 0.2। एक ब्रैकेट डालो आप, 15 लिख लो अंदर आप। ओके ओके जसलीन। सर माइनस 5। राइट गुड, डायरेक्शन उल्टी हो गई है, इट विल बी माइनस। तो ये आपका कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 2 प्लस 1 3 किलोग्राम मीटर सेकंड। सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया? लक्ष्य जयरथ अनम्यूटेड हो आप सर आंसर देने के लिए। अच्छा बता रहे थे आप, वेरी गुड। 11th roll number धीरेन। सर आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, पी का मतलब है मोमेंटम, ये आपको चेंज इन ओके सर राइट? यस सर। एनी अदर पॉइंट बेटा? नो सर। ओके बेटा, देन बेटे ये सारा डिस्कस करने के बाद बेटे अगर हम बात करें हमारे पास फर्दर मोर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बेटे डियर चिल्ड्रन, तो यू कैन फर्दर मोर बेटा से दैट आपका इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाद जो नेक्स्ट वाला है बेटे, लेट मी बेटे रीड आउट दैट फॉर यू। ये थोड़ा लेंथी है बेटे, हो नहीं पाएगा, अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है, आप एक बार ट्राई कर लेना न्यूमेरिकल्स को, 2-3 हमारे बच्चे हैं बेटा, अगर आप सारे कर लोगे बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक पीरियड हम लगा लेंगे बेटे। सो डियर चिल्ड्रन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटा, थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे अहेड बेटा, थैंक यू बेटे ऑल।